हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सिविल कोजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर, और आप सभी के लिए सिविल कोजी। आज हम बात करने वाले हैं कौन सी चीज़ एक सिविल इंजीनियर को आना ही चाहिए, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश में बोलें तो बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब सबसे पहले ये पूरे पॉइंट्स मैं अपने ही लाइफ से बता रहा हूँ कि अपन लोग किस तरीके से लाइफ में एक्सपीरियंस किए, पहले जॉब, दूसरे जॉब, तीसरे जॉब, अलग अलग जॉब में जो जो एक्सपीरियंस आए, जिस तरीके से फेस किए डॉक्यूमेंट्स, उस तरीके से आपको बताया जा रहा है। जैसे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि मेजरमेंट, आपको हर एक चीज़ का मेजरमेंट लेना आना चाहिए। अब ये मेजरमेंट लेना इतना कठिन थोड़ी ना है, परंतु बता दूं जिनको टेप नहीं देखे हैं, जिन लोग मेजरमेंट किए नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं किए, लिखे नहीं, उनको बहुत दिक्कत आती है साइड में। तो इसके लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आप एक 3 मीटर या 5 मीटर का सिंपल सा टेप लीजिए, आसपास की साइड या फिर अपने ही घर के जो कॉलम बीम दिख रहे हैं उनका मेजरमेंट कीजिए। सबसे पहले सिंपल सी चीज़। अब मेजरमेंट करने के बाद इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है आप किस वे पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अब जैसे घर की हाइट है, घर की हाइट आप किस तरीके से मेजरमेंट बताएंगे, उसको मीटर में बताएंगे, एमएम में बताएंगे, फीट में बताएंगे, इंच में बताएंगे, बताइए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एक मिनट सोचिए जरूर कि किस तरीके से आप आंसर देंगे। कहीं आप मीटर में बोले तो बिल्कुल सही, मीटर में हम लोग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो जा रही है कि हम लोग एमएम बताएं तो वो सही नहीं लगेगा इतनी बड़ी वैल्यू बोलना, इस कारण हम लोग मीटर में बताते हैं। वैसे हर एक चीज़ का इसी बेसिस पे रूल बन गया है कि किस चीज़ को किस तरह से मेजर करना चाहिए, जिसको बोलते हैं मोड ऑफ मेजरमेंट। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको IS कोड में मिल सकता है, IS कोड 1200। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, आप लोग को एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं सबसे पहले जब साइट गया था ना, तो मुझे 3 दिन तक, पहले दिन ही टास्क मिल गया था 3 दिन के लिए, क्या करना है, जितने साइट में एक्सकवेशन हो चुके हैं और फुटिंग बन चुके हैं उसको मेजरमेंट करके मुझे लिखना था। मुझे कोई ड्राइंग नहीं दी गई थी, कुछ नहीं, सिर्फ आपको मेजरमेंट करके लिखना था। अब आप और मैं किस में मेजरमेंट करेंगे, अपन लोग को आदत है MM या मीटर में बात करने की, तो उसी के हिसाब से मेजरमेंट किया पूरा। अब 3 दिन बाद मुझे ड्राइंग मिली कि आपको इसे आप क्रॉस चेक करना है कि पूरे यूनिट्स जितने भी बनाए गए हैं, जितना भी मेजरमेंट हुआ है, जो उसका एक्चुअल है, वो ड्राइंग से मैच कर रहा है कि नहीं। ये सबसे पहला टास्क था। अब सामने सीनियर वाले ने फिरकी लेने के लिए बोल सकते हैं, या फिर मजे करने के लिए, ऐसा मुझे लगा पहले कि उसके लिए उसने क्या किया, वो फिट का मेजरमेंट दे दिया, पूरा ड्राइंग उसके फिट में था। अब वो कंस्ट्रक्शन का जो साइट था वो प्राइवेट था, प्राइवेट में अधिकतर फीट में भी होता है काम, फीट इंच में, तो अब उसके कारण उसने फीट इंच ही दे दी। अब मुझे कंपेयर करते समय सोचना पड़ा कि अब मैं पूरा तो मेजरमेंट MM में किया हूँ या मीटर में किया हूँ, और यहाँ पर दे दिया फीट इंच, तो पूरे को कन्वर्ट करना पड़ा। तब यहाँ से दूसरी स्किल आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अब यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, साथ ही साथ वो फास्ट और एक्यूरेट होना चाहिए कि आप आसानी से यूनिट कन्वर्ट कर सके। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके पास, यूनिट कन्वर्जन, की यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। इंजीनियर आगे चल के अपन लोग टेक्निकल पॉइंट्स की भी बात करेंगे, टेक्निकल इंपॉर्टेंट नॉलेज की भी बात करेंगे, जिसका आपको PDF दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं अपन लोग इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल जो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुँचा सकती है, जो आपको हर एक लेवल, हर एक पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकती है। जिसमें बात करूँ तो आपको सॉफ्टवेयर स्किल और प्रैक्टिकल स्किल दोनों को आनी चाहिए। जैसे बात करें सॉफ्टवेयर स्किल में, सॉफ्टवेयर स्किल में आपको सबसे पहले आपको ऑटोकैड आना चाहिए। ऑटोकैड क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑटोकैड इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितनी भी 2D प्लानिंग होती है उसी में होती है। उसके बाद आपको रिविट क्या कहते हैं 3D एलिवेशन के लिए, साथ ही साथ ETAP स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के टर्म्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट सीखना है तो MSP आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ एकदम जल्दी से 3D एलिवेशन करना है तो आपको गूगल स्केचअप बहुत हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल स्किल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल स्किल में आपको एस्टीमेशन, जो पूरे घर का, पूरे आपके प्रोजेक्ट का BOQ बनाने के लिए हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको BBS जो बिल ऑफ स्टील बनाने के लिए काम आएगा। उसके बाद आपको क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस करना आना चाहिए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिलिंग। बिलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे मेजरमेंट बुक बनना, बिल बुक बनना, उसके बाद स्लैब रेट बिल, कॉन्ट्रैक्टर आइटम वाइज बिलिंग, साथ ही साथ रिकॉन्सिलेशन, ये पूरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। आप पूरा बिलिंग के अंदर आप ये पढ़ते हैं। एक और लेवल आपको ऊँचा पहुँचना है, एक स्पेशल पोजिशन में पहुँचना है, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये पूरी चीज़ आपको आनी चाहिए, ये पूरी चीज़ सीख सकते हैं आप सिविल कोजी के साथ कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में, जिसकी प्राइस अभी ऑफर प्राइस चल रही है, जो कि है आपकी 14,847। आप कहीं अभी एनरोल करते हैं, सिर्फ 120 सीट्स लिमिटेड हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, कुछ कोर्सेज, कुछ टेक्निकल स्किल एक्स्ट्रा मिलने वाली है, जो कि रहेगी क्या कहते हैं 3DS Max, आपके 3D एलिवेशन में जान डालने के लिए एकदम रियलिस्टिक जैसा दिखेगा। उसके बाद शेड प्रो, प्राइमावेरा, साथ ही साथ जॉब डिटेक्टिव, जो कि आपको हेल्प करेगा किसी भी जॉब को ढूंढने के लिए कि कैसे जॉब ढूंढते हैं, उसमें जॉब में कैसे क्रैक करके आपको जॉब सिलेक्शन होगा, कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपके इंटरव्यू के समय के लिए। साथ ही साथ आपको DPR डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये पूरी चीज़ आप सीख सकते हैं।
तो कॉल करें 9111001234 में, जहां से आपको और डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कॉप्स का PDF रहेगा, आप वहां डिटेल में जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आप सीखने वाले हैं, और या मैं बोलूं आपको ये चीज़ें सीखना इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो है आपकी ड्राइंग, कि इंजीनियर को ड्राइंग रीडिंग आना ही चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये पूरी बात करने वाले हैं आप लोग, वीडियो लंबा हो सकता है, कहीं वीडियो लंबा हो जाता है तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि पार्ट पार्ट वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, जिससे हम लोग आगे की वीडियो आप लोग के हिसाब से बनाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करते हैं, जैसे ही आप लोग को ड्राइंग मिली तो उस हिसाब से मैंने उसको रीड करके चेक किया कि किस हिसाब से होना चाहिए। तो थर्ड स्केल हो जाता है कि आपकी ड्राइंग रीडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि आपको ड्राइंग समझ में आनी चाहिए। अब ड्राइंग की बात करें तो कितने तरह की ड्राइंग होती है, अब इसमें मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ तो अपन लोग अभी इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी और प्लम्बिंग को अभी छोड़ देते हैं। सबसे मेन दो आपकी हो जाती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग। अब आर्किटेक्चरल ड्राइंग से आपको क्या पता चलता है, साइट की लोकेशन क्या चलते हैं, उसमें साइट में क्या चलते हैं, आपका जो घर बना है उसका फ्लोर एरिया रेशियो क्या है, साथ ही साथ समीशन ड्राइंग के पूरे डिटेल्स मिलते हैं। उसके बाद आपको ये पता चलता है कमरा कौन सा, कितना बड़ा, कहाँ पर है, विंडो कहाँ है, किस तरह के अरेंजमेंट है, पूरा ये पूरा आपको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग में। दूसरा इंपॉर्टेंट ड्राइंग हो जाता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, जिसके बेस में आप पूरा कंस्ट्रक्शन करने वाले। अब स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपको क्या पता चलता है, सबसे पहले पता चलता है एक्सकवेशन कहाँ करना है, कितना डेप्थ में करना है, साथ ही साथ आपको पूरा सेंटर लाइन पता चलता है कि कॉलम के सेंटर लाइन, कॉलम कहाँ किस तरीके से प्लेस करना है, उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। अब एक और चीज़ बता दूँ, ओरिएंटेशन खुद भी जज कर सकते हैं कि कहाँ पर कैसा होना चाहिए, इसको जज करने के लिए एक आई सेक्शन में वीडियो है, आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको पूरे बीम के डिटेल्स, कॉलम के डिटेल्स, कितने साइज होने वाले हैं, पूरा आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में पता चलने वाला है। उसमें रेइंफोर्समेंट कहां पर कैसे लगाना है वो पूरा डिटेल। उसके साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है आपको कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है, कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ आपको ये भी पता करना पड़ता है कि कहां पर कितना क्लियर कवर देना है, लैपिंग डिस्टेंस देना है, ये पूरा डिटेल में जानते हैं। आई सेक्शन में इसके लिए भी वीडियो है जिसमें आपको स्ट्रक्चर के नोट्स के बारे में पता चलेगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट और क्यों है। जैसे कि आप लोग को पहले से बता रहा हूँ, ये पूरे पॉइंट्स हम लोग के ही लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस में ही है। अब हम लोग के लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस में तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको हरदम रेडी होना चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे आप लोग अभी तक बात कर रहे थे ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग आज के डेट में तो कोई मैनुअली नहीं बनाता, तो कहाँ बनता है, पूरा ऑटोकैड में बनता है। तो इस तरीके से जमाना चेंज हो गया, पूरी चीज़ ऑटोकैड में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कौन सा फ़ोन यूज़ करते, फीचर फ़ोन, परंतु आज आप लोग स्मार्टफोन में आ गए। क्यों आ गए, चीज़ें बेहतर हो गई और चीज़ें सिंपल करने लगी। अब इसी तरीके से मैं अपने लाइफ के 2 एग्जांपल बताता हूँ जो बहुत स्टार्टिंग में लिए थे। जो मैंने मेजरमेंट बताया था ना थोड़ा से पहले स्टार्टिंग में, कि आप लोग मेजरमेंट लिए, तो मेजरमेंट को क्या किया था मैंने, उस समय ही मुझे एक्सेल पसंद था, लैपटॉप के से ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, गेम्स वेम्स खेलते थे, तो अब लैपटॉप में ही पूरा मेजरमेंट डाल दिया था। उस समय फ़ोन था तो फ़ोन में मेजरमेंट डाल दिया था, एक्सेल फाइल डायरेक्ट लैपटॉप में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सेल फाइल का एक्सेल का क्या एप्लीकेशन आता है डायरेक्ट वहीं पर आप लोग मोबाइल फ़ोन में भी लिख सकते हैं। तब उससे मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, कन्वर्जन करना आसान हो गया, एक बार फॉर्मूला लगाया पूरे में अप्लाई कर दिया, तुरंत कन्वर्ट हो गए पूरे यूनिट, तो मेरा काम जल्दी होने लगा। आपको एक और लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम लोग के कॉलेज के समय सीनियर, कुछ 4-5 साल पहले के सीनियर आए थे, उन लोग क्या कहते हैं PWD में उनका ज्वाइनिंग हो गया था, बहुत अच्छी बात है। जो हम लोग को क्या कहते हैं अपने प्रोजेक्ट में लेके गए थे, कुछ किलोमीटर की उनकी रोड बन रही थी, तो उस रोड के बारे में हम लोग को पूरा जानकारी दिए, बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल किए, तो उस हिसाब से हमें पूरी जानकारी दी उनने, स्टार्टिंग से लेके एंड प्रोजेक्ट तक। पूरा प्रोजेक्ट बना नहीं था तो भी उनने स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक लेके गए कि इतना बड़ा बनने वाला है। फिर आखिरी में एक क्वेश्चन पूछा उनने कि अपन लोग जितना लेंथ कवर किए हैं वो लेंथ कितनी होगी, वो हम लोग की टेस्टिंग करना चाहते थे कि हम लोग ने मेजर किया है कि नहीं। अब मेजर कैसे कर सकते थे, किसी के पास टेप वेप तो नहीं था, तो इन जनरल तरीका होता है पेस से। पेस क्या होता है, आपके एक एक स्टेप को नापना कि आपका एक स्टेप कितना होता है, उसको अपन लोग पेस बोलते हैं, उस हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो कई लोग ने किया था तो उन लोग ने अपने हिसाब से गैसिंग बोल सकते हैं, 1.8, 1.7, 1.92, इस तरह से अलग अलग गैसिंग की। अब उस समय मेरे पास नोकिया का फ़ोन था, उस समय भी अपन लोग के पास स्मार्टफोन आ चुके थे, उसमें क्या कहते हैं गूगल मैप तो नहीं थे परंतु नोकिया मैप थे, तो नया नया था तो टेक्स्टिंग कर रहे थे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्टेंस कितना दूर चल रहे हैं अपन लोग वो पता करने के लिए चालू कर दिया था, तो वहाँ से लेके एंड पॉइंट तक एक बार में देख के बता दिया, एग्जैक्ट था 1.85, मैंने वो वैल्यू बोली तो उनने बोला एकदम सही है, परंतु उनने पूछा कि आप किस तरीके से बता सकते हैं, पता करना चाह रहे थे कि मैं तुक्का मार रहा हूँ कि किस तरीके से जज किया हूँ। तो फिर उनको बताया कि इस तरीके से मेजर किया, तो बोले बहुत अच्छा तरीका है, अगली बार से वो भी इसी तरह से मेजर करने लगे। अब क्या होता है, उनने बताया कि कई बार हम लोग रोड का मेजरमेंट करने के लिए जाते हैं परंतु मेजरमेंट करते नहीं है, सिर्फ रोड देख के चले जाते हैं,
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये उनको अच्छा तरीका मिल गया कि जिससे वो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। गूगल मैप की तरह से आजकल आप घर में बैठे बैठे वो मेजरमेंट कर सकते हो। अब इसी तरीके से अपन लोग को टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग खुद ढूंढ सकते हैं, परंतु दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहती है। सबसे पहला ऑटोकैड, जो हर एक सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा सबसे पहले सीखने के लिए जो भी सिविल से रिलेटेड है। दूसरा है एक्सेल, आपको हर एक चीज़ में एक्सेल काम आने वाली है। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, बिलिंग कर रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, रेट एनालिसिस कर रहे हो, हर एक में काम आने वाला है। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट में, जो मेरा सबसे वीक था, कन्वर्सेशन, बात करते कैसे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सीनियर से बात कर रहे हैं, जूनियर से बात कर रहे हैं, दोनों पे वे ऑफ टॉकिंग बहुत चेंज हो जाती है। जब आप सीनियर से बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप टेक्निकल पॉइंट्स का यूज़ करें, टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि लेमन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं हर जगह। कहीं सीनियर आपसे नॉलेजेबल है तो उनको बताइए, हाँ मुझे भी ये पॉइंट्स आते हैं, तो टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि ओवर स्मार्ट बन के दिखाना है उनको। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, जब आप अपने से जूनियर से बात कर रहे हैं या फिर लेबर से बात कर रहे हैं, तो उनके टर्म्स में बात कीजिए। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूनिट कन्वर्शन, आप कभी भी बात कर रहे हैं, आपके जितने भी यूनिट्स होते हैं वो अधिकतर देखेंगे ड्राइंग, जब गवर्नमेंट की देखते हैं तो आपकी एमएम या मीटर में रहती है। तो एमएम में मीटर रहती है, परंतु लेबर जो हरदम समझता है आपका फीट इंच, बहुत अच्छे से समझ में आता है। कहीं आप उसमें उनको बताएंगे तो हरदम उनको याद रहता है, साथ ही साथ वो एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाते हैं। तो जब उनसे बात करें तो फीट इंच की बात करें, जब सर लोग से बात करें तो एमएम में बात करें। प्रॉपर वे होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर बोला था कन्वर्सेशन, ये नहीं बोला था कि सिर्फ आपको बोलने की बात, सुनने पे भी ध्यान दें। सीनियर की तो बात अपन लोग ध्यान से सुन लेते हैं, जूनियर या फिर जो लेबर्स हैं उन लोग की बात हम लोग ज़्यादा अच्छे से सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि उनको ये चीज़ें पता नहीं है, वो सिर्फ बता रहे हैं। परंतु नहीं, उनके पास भी अलग एक्सपीरियंस है, वे ऑफ थिंकिंग अलग रहती है, तो दोनों की बात ध्यान से सुनिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग को आनी चाहिए, बहुत बेसिक है। जैसे बात करें सबस्ट्रक्चर, सबस्ट्रक्चर क्या हो गया? ग्राउंड लेवल से नीचे जितना भी पार्ट है वो आपका सबस्ट्रक्चर हो गया। सुपरस्ट्रक्चर क्या हो गया? आपके ग्राउंड लेवल से ऊपर के जितने पार्ट्स हैं वो सुपरस्ट्रक्चर हो गए। साथ ही साथ अब मैं बात करूँ प्लिंथ हाइट, प्लिंथ हाइट क्या होती है, वो किस तरह से डिसाइड होती है, अब ये कैसे जान सकते हैं? प्लिंथ हाइट होती है आपके जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल है या फिर रोड का लेवल है, उससे आपका घर कितना ऊंचा है, उसका डिफरेंस आपका प्लिंथ हाइट हो जाती है। उसके बाद आता है राइजर थ्रेड। अब इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं अभी आप लोग को टर्म्स बताते जा रहा हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ लिंक, उसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लियर कवर क्या होता है, वन वे टू वे स्लैब क्या होता है, फ्रॉक क्या होता है, प्लास्टरिंग क्या होता है, डी शटरिंग क्या होता है, शटरिंग कब करना है। अब यहाँ से पॉइंट आता है कि आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता ही होना चाहिए, जैसे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। मेरे ख्याल से हर एक सिविल इंजीनियर पढ़ के आ चुका है आज तक, आप लोग या हम भी जब भी कॉलेज में थे तो ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा होगा, M25 या M20 का ग्रेड क्या है, उसका रेशियो क्या है। तो इसका आंसर आप लोग को याद हो जाना चाहिए। जैसे मैं अभी आप लोग से पूछता हूँ M25 का रेशियो क्या है, आप तुरंत आंसर बोल पा रहे हैं तो बेहतरीन, आपको वो चीज़ याद है। कहीं आपको सोच के आंसर देना पड़ रहा है तो गलत है, आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, एकदम याद हो चुका रहना चाहिए कि हर एक का रेशियो क्या है। साथ ही साथ डी शटरिंग, कि कितने दिन बाद अपन लोग को फॉर्म वर्क हटाना है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्लियर कवर, कहाँ पर कितना क्लियर कवर देते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये जनरली इंजीनियर्स को नहीं पता रहता, परंतु जो साइट में काम करते हैं, जो साइट में चेकिंग करते हैं, उनको ये पता रहता है। कहीं मैं एक मीटर की आपको रेइनफोर्समेंट की बात देता हूँ तो उसका वेट कितना होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल इसका फॉर्मूला है D²/162, परंतु इसकी वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। जैसे 12 मीटर की बात करूँ तो होता है 0.888 kg/m, कि एक मीटर की बार लेंगे तो 0.88 kg होगा। तो इस तरह के पॉइंट्स आप लोग को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर में जो लोड लग रहा है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कि स्ट्रक्चर में कितना लोड लगता है, किस तरीके से लोड लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पूरा डिटेल में आपके लोग के लिए वीडियो बनाया, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें कॉलम किस तरीके से रखना है ये पूरा आपको पता होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए ये पता होना चाहिए। अब ये पूरी जानकारी आप लोग को कहाँ से मिल सकता है? बहुत सारी IS कोड से मिल सकती है। अब IS कोड हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितने हैं? बहुत सारे IS कोड हैं, हर एक IS कोड इंपॉर्टेंट है, परंतु अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एक सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ IS 12, जो आपको बताएगा मोड ऑफ मेजरमेंट की किस तरीके से मेजर करना है। साथ ही साथ कहीं आप बिल्डिंग की तरफ जाने तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है IS 456, RCC के लिए जाने तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हर एक चीज़ दिया है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था क्लियर कवर, क्लियर कवर कहाँ पर कितना देना चाहिए वो दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कहाँ पर, मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना चाहिए, महाराष्ट्र में कौन सा सीशोर के पास कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए वो भी बताया है। सिंपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड टेबल पे ही देखोगे ना,
थर्ड और फोर्थ टेबल और फिफ्थ टेबल, उसमें ही यही पता चल जाएगा। उसी तरह से आप कहीं स्टील तक जाना चाहते हैं तो IS 800 की तरफ आपको इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको पूरा लोड के बारे में जानना है तो आपको 875 में दिए। अब यहाँ पर मैं IS कोड में ईयर्स नहीं बताया, ईयर इसके कारण नहीं बताया, कई बार बाद में देखते हैं। तो ईयर जो भी लेटेस्ट है उसको यूज़ कीजिए, जैसे IS 456 2000, इसमें चेंजेस हुआ है वो 2016 में हुआ है, परंतु पूरा कोड चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक दो पॉइंट्स चेंज हुए हैं। तो इस तरीके से पूरे इन्फॉर्मेशन, तो ये पूरे पॉइंट्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये खुद से अभी सीखना आप चालू कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको सीखिए, लाइफ में इंप्लीमेंट करते जाए, चीज़ों को समझते हुए लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये पूरे पॉइंट्स आप लोग को समझ में आए होंगे, साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर और अच्छी ग्रोथ पा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।